सलमान भी वैसा ही है, वो बड़े भाई की तरह ही इज्जत करता है। बहुत धमाल करते हैं हम लोग जब मिलते हैं, क्योंकि वी शेयर टू मेनी ऑफ सीक्रेट्स। स्पीकिंग ऑफ रशिया, ही इज नॉट ओनली फेमस इन इंडिया बट इवन टुडे वुमेन of Amreen's age want to marry my father. Yeah, I was shooting there. I was standing there thinking I'm the handsome hunk, and as soon as they saw him, they're like Jimmy. So मेरे को तो भूल के वो अपना चाय वाय देके उन लोग आगे चले गए. I feel little guilty के शायद मैं बोलता तो, फिर बाद में सोचता हूँ कि कितने लोग तो ऐसे हैं मेरे जैसे ही, जो बिगिनर जो मैं जब आया था, कितने लोग बॉम्बे में ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं. तो थिंकिंग दैट देन आई फील नो यू मस्ट गो थ्रू इट. So he has gone through it. It is that film he got is totally his credit. अभी तक मुझे समझ में नहीं आती रशिया में मुझे लोग क्यों इतना प्यार. हो सकता है कि मैं गरीब घर से आया हूँ. So I used to wake up, you know, some days and see him in a police uniform, some day as a politician, one day as Ramakrishna Paramahans. So I actually asked my mom, can't he do even one job properly? आप अगर नोटिस करें जो सुपरस्टार आज की तारीख में रेन कर रहा है ना, तो जो रेनिंग चाहे शाहरुख हो, सलमान हो, सनी हो, संजू हो, जब मैं बस चाहती हूँ कि बैड बॉय को बहुत सारी कामयाबी मिले, हम दोनों को बहुत सारी कामयाबी मिले, यू नो आर डायरेक्टर एंड आर प्रोड्यूसर, यू नो आई वांट टू थैंक देम एंड आई होप दे आल्सो गेट ऑल द क्रेडिट. हाय गाइस, दिस इज हिमेश एंड वेलकम टू पिंक विला. टुडे इज स्पेशल एज वी हैव विद अस मिथुन सर विद नमोशी एंड अमरीन. वेलकम टू पिंक विला गाइस, इट्स लवली हैविंग यू हियर फर्स्टली. थैंक यू. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू. You know, you, like, we were just speaking how you are media shy and everything. How do you view this evolution of, you know, concept of promoting film over the years? Most of time. Yeah? Because if the film is good, everything will look good. Yeah. And if it's not good, all goes dharam. Okay. So, mere hisab se, what I think and doing things, because hum primitive mein believe karte hain. ऑफ कोर्स यू शुड मस्ट टच आई बॉल्स. हम लोग जैसे बड़े बड़े बैनर्स, थिएटर प्रमोशन, मतलब थिएटर में ट्रेलर दिखाना जहाँ लोग देखने जाते हैं. आजकल ऑफ कोर्स इट हैज़ मीनिंग, इट टचेस यूट्यूब में आप भर गए लोगों का. हमारे हिंदुस्तान में लोगों के पास काम ही नहीं है, लेकिन बहुत बिजी रहते हैं. यू नो दे आर वेरी बिजी बट दे हैव नो वर्क. एक ही बिजी, सुबह नींद से उठा इंस्टाग्राम वो खुलते ही रहते हैं. एनीवेज दैट्स ओके, बट आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो. पिंक विला इज़ वेरी फेमस. मेरे से ज़्यादा अगर आप ये दोनों बच्चों को प्रमोट करोगे तो आई बी वेरी हैप्पी. ऑफ कोर्स वो तो हमेशा ही होता. नहीं होता नहीं ऐसा, इसलिए मैं जाता नहीं, इन लोगों के साथ भी जाता नहीं. अच्छा, वो सब मेरे पे अटेंशन रहे, आपको क्या कर रहे हो, आपकी फिल्म क्या कर रही है. अच्छा, जिनके लिए कर रहे हैं उनको प्रमोट करो, दैट शुड बी इम्पोर्टेंट है ना, बिकॉज दे नीड इट. आई नीड इट, मतलब मैं प्यार से बोल रहा हूँ, दे नीड इट, वी शुड गिव इट टू देम. You know, actually, the next question is to two of you. The film is directed by Rajkumar Santoshi sir, who is known for so many comic, actually all genres he has mastered and given memorable films in. How was it like to be on a Rajkumar Santoshi set for both of you? जब first week जब हम shoot कर रहे थे, actually हम दोनों बहुत ही nervous थे and almost मुझे तो इतनी डांट पड़ती थी कि पहले हफ्ते में कि मुझे ऐसा रोना आता था, but I think after that the you know we had it was like an ice breaker हमारे लिए. Then we all kind of हम उनको समझने लगे, वो हमें समझने लगे, एंड देन उसके बाद काम बहुत स्मूथ रहा है. एंड वो तो एक लेजेंडरी डायरेक्टर है ही, तो फिर उनके साथ काम करना मतलब बहुत बड़ी बात है. हिमेश, ऑनेस्टली किस्मत की बात होती है. मैं तो कहूँगा मेरी तकदीर में ऐसे अच्छे स्टार्स थे कि मुझे राजकुमार संतोषी जैसे निर्देशक मिले. स्ट्रिक्ट थे, परफेक्शनिस्ट थे, लेकिन मेरे लिए डबल धुलाई थी क्योंकि पहले दिन ही ये आ गए थे शूट पे मुझे सरप्राइज करना. तो आई हैड 400 films experienced actor and Raj ji, but for me I took it in my stride. Jab experienced log hote hain kaam aur smooth hota hai, and to work with a legend like Raj ji in my debut film, this is absolutely the goodwill of destiny more than anything else, and we two were very fortunate. He's a mind blowing director. I think the film you have shot a lot of it in Ooty, if I'm Bangalore, Mysore, okay. Hyderabad. Bangalore, and Mysore Russia. And Hyderabad. Okay. 30 days in Bangalore, 30 days in Mysore. And Russia. Okay. And songs were in Russia and Hyderabad. St. Petersburg. Yes. Oh, wow. Tera Hua was in St. Petersburg. Yeah. Okay. How do you deal with the pressure and the baggage ke log bolenge, you know, you're Mithun sir's son. Yeah. So it always comes with that baggage ke you have to live on to the expectations because he has such a cult career. So absolutely.
Well, honestly, I have learned to live with this. Not just me, all we four siblings, because we don't represent any actor. We represent one of the greatest superstars of the country ever. Yeah. Speaking of Russia, he's not only famous in India, but even today, women of Amreen's age want to marry my father. Yeah, I was standing there thinking I'm the handsome hunk, and as soon as they saw him, they're like, Jimmy. So, mere ko to bhul ke wo apna chai wai deke un log aage chale gaye. So, if you compare me with a living legend, I don't think I can fill his shoes in one film. Yeah. To even think that I will be able to achieve that is absolutely impossible. What is in my hand is to work hard, to be dedicated, and to better myself. Yeah. And fortunately, I have had a good start to get a producer like Sajid Bhai. Himesh ka music hai is film mein, Arijit ne playback kiya hai, and above all, Rajkumar Santoshi. Yeah. So for a start, I think it's a good start. But comparison ka pressure mein, toh mujhe lagta hai, I'm already at zero, because 47 years versus one film is not even a balance. साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि नमोशी ऑल्सो फेस लॉट ऑफ पेन आई विल से पेन इन द सेंस मुझे सब मालूम था ये इधर ऑडिशन देने जा रहा है उसके साथ क्या लोगों ने बर्ताव किया है उसको खड़े भी नहीं होने दिया ओके या यू नो एवरीथिंग बिकॉज जब बाहर आ गया तब पता चला कि मिठुंदा का बेटा था तो उन लोग जो अंदर थे बोले ओह माय गॉड ये क्या कर दिया सपोज दे डोंट हैव टू डू इट आई थिंक उधर कभी कभी मुझे गिल्ट फील होता है आई फील लिटिल गिल्टी के शायद मैं बोलता तो फिर बाद में सोचता हूँ कि कितने लोग तो ऐसे हैं मेरे जैसे ही जो बिगिनर जो मैं जब आया था कितने लोग बॉम्बे में ऐसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं तो थिंकिंग दैट दैन आई फील नो यू मस्ट गो थ्रू इट सो ही हैज़ गॉन थ्रू इट इट इज़ दैट फिल्म ही गॉट इज टोटली हिज क्रेडिट ना मैंने ना किसी ने कभी किसी को फ़ोन नहीं किया एंड For everyone, I am the same. I said, you fight your own battle. ये आपको जिंदगी आपको जीतना ही है लड़ना है जितना देखा जाए लड़ना आपको खुद को है एंड इज लकी द प्रोड्यूसर इज सच्ची बहुत अच्छा है साजिद यू नो बैक इन द 80s एंड 70s रशिया एज अ मार्केट बहुत बड़ा ओपन हो गया था एंड रशिया में तो आई थिंक डिस्को डांसर आज भी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है एंड वो बहुत अनटैप्ड मार्केट है उसके बाद आज भी वैसा रिस्पॉन्स आता नहीं है अकॉर्डिंग टू यू एक इतना बड़ा स्टार बनने के लिए क्या फैक्टर आपने कभी ये सोचा है कि क्या कनेक्ट होता है ऑडियंस के साथ में एज मेरे इतने सालों के ये सफर में सबसे बड़ा कनेक्ट होता है डेस्टिनी ओके विदाउट डेस्टिनी नथिंग हैपेंस ये सब खाली कहावत है या हार्ड वर्क ये वो कौन नहीं हार्ड वर्क करता एवरीबॉडी इज हियर देखो सब अपने अपने काम में हार्ड वर्क बट दैट इज द मोमेंट द डेस्टिनी टैप्स यू Yeah. And according to me, my life is the destiny brings the car, makes you sit on the driving seat. Yeah. Now, you have to drive the car. Okay. You have to see the red light, green light. Red light, you bang. Green light, you go ahead. It's up to you. Yeah. But यहाँ तक तो अभी कोई बोल सकता है वो भी destiny कराता है. I wouldn't say no. But मैं बोलता हूँ कि उतना तो destiny कर दे बाकी आप चलाओगे. बट ऑल थिंग्स मैटर घूम फिर अभी तक मुझे समझ में नहीं आती रशिया में मुझे लोग क्यों इतना प्यार हो सकता है कि मैं गरीब घर से आया हूँ रशिया इज मीन अ वेरी यू नो कम्युनिस्ट कंट्री द पेन माँ बाप का प्यार यू नो ऑल सॉर्ट ऑफ काउंट्स इन रशिया आज भी दे लव देयर मदर ग्रैंड मदर एंड दे हैव पता नहीं क्यों वाई बट आई लव देम आई लव ऑल रशियंस एंड द पहले के जो USSR थे बट इट हैज नाउ फैल गया टर्की ईरान इराक अफगानिस्तान ऑल अफ्रीकन कंट्रीज उधर मिठुन चौधरी फैल गया पूरा ऐसा फैल गया ऑफकोर्स 100% एंड ऑफकोर्स इंडिया में तो अभी भी हम लोग जब भी कभी पार्टी में जाते हैं आपके सॉन्ग पे जो रिएक्शन आता है आई थिंक एवरीवन वुड बी लाइक अरे एवरीथिंग इज अ कल्ट सो Even in Russia cap में भी अगर हम बोलेंगे Bollywood गाना first song क्या आता है Jimmy आता है and then सारे Bollywood songs हैं मिथुन सर की reach वहाँ पे बहुत है हमको लगता था कि हमारे लिए लोग आए हैं but then they would ask where is Mithun sir and you know sir spoke about his experience of being on the set on the first day of the set do you remember as a child कि आप कौन से
सर के कौन से फिल्म के सेट पे गए थे, वहाँ पे क्या मेमोरीज थी? वेल आई हैड अ वेरी स्ट्रेंज कनेक्शन विद माय फादर बिकॉज वी यूज्ड टू लिव इन ऊटी. आई वाज बोर्न हियर बट हम लोग 94 में ऊटी शिफ्ट हो गए थे. ही बिकेम वी हैव होटल्स देयर. ही बिकेम अ होटेलियर. द मोस्ट बिजीएस्ट एक्टर इवन इन ऊटी वाज माय फादर. सो आई यूज्ड टू वेक अप यू नो सम डेज एंड सी हिम इन अ पुलिस यूनिफॉर्म, सम डे एज अ पॉलिटिशियन, वन डे एज रामकृष्ण परमहंस. So I actually asked my mom, can't he do even one job properly because he keeps changing his profession, not knowing that he is an actor. But then I realized, because hum jab bhi shooting jaate the, log jama ho jaate the. I would get scared ke what has he done that people want to see him all the time. Yeah. So the first time I went on a set of his was for a film called Jallad. Okay. In which he played a double role for which he won a Filmfare. So that's the first time I came to know what a movie is and how important he is as an actor. Because before that I thought, you know, he keeps changing professions. Until then I came to know that, okay, he's a movie star. But because we were in Ooty and he used to shoot 4 shifts a day, set pe aana jana to laga hi rehta tha. Aur humare hotel, Monarch Hotel mein hi shootings hoti thi actually. It was like a mini film city. Oh, yes, yeah, I've heard so many stories. Haan, yeah. So it was a great experience, but I gauged much later how such an important man he is. So my memories of him initially were rather... Why is he shifting profession? Yeah, I'm like, what's wrong with him, you know? Yeah. And what, according to you, is the biggest USP of Bad Boy? I think recently I just saw the movie like few days back and it's, I still laugh. You know, it's, I feel बहुत सालों के बाद ऐसी क्लीन सिंपल रोमांटिक कॉमेडी मूवी आ रही है जो आप फैमिली के साथ जा सकते हैं. एंड देन एक्चुअली मैं बूस्ट नहीं करूँगी अपनी मूवी के बारे में, ऑफकोर्स आई एम हियर टू प्रमोट, बट देन थ्रू आउट द होल मूवी इट वॉज सो इनोसेंट, इतना प्योर थी वो मूवी. मुझे पूरा टाइम आई वॉज स्माइलिंग थ्रू आउट द होल मूवी. सो आई थिंक दैट इज द USP ऑफ द मूवी. आपने फिल्म देखी है? देखी. आपको कैसी? फाइनल नहीं देखी. इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सिंप्लिसिटी. इज द नेक्स्ट बॉय बॉय नहीं नेक्स्ट बॉय नेवर का लव स्टोरी है. हाँ. या तो किसी एक रिच मैन वर्ल्ड मैन की कहानी सुनी आपने? बहुत होगा. गरीब प्यार झुकता नहीं देखा, गरीब गरीब सब बहुत सारे होते. हाँ. बट इस फिल्म में उस पर ज्यादा जोर नहीं है जी. इसमें स्टेटस की लड़ाई है. एक द मैन फ्रॉम बार्सिलोना झूठ बोलता रहता है. बोलते ओम गुलाटी, मैन फ्रॉम बार्सिलोना. ओम गुलाटी नाम है, गुलाटी से तो गुलाटी खा रहा है आदमी. एंड एंड अ वेरी एजुकेटेड फैमिली जिनके बेटी 960 994 आउट ऑफ 1000 मार्क करती है. बोलते दैट्स कॉलेज स्टैंडर्ड. और वहाँ एक 5 बार फेल किया हुआ एक लड़का उससे इश्क करेगा. तो इससे बॉय नेक्स्ट डोर का कहानी है. आप हर आदमी उसके रिलेट करेगा, चाहे वो पैसा वाला वो रिलेट करेगा, चाहे एकदम गरीब वो रिलेट करेगा, एक रिक्शा वाला सब रिलेट करेगा. नहीं मेरे साथ भी हो सकता है. और के ओम गुलाटी ने ठीक किया यार, ऐसा ही होना चाहिए. दैट्स द फील. मतलब विनिंग द लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, रेस्ट इज ऑल समथिंग. एंड मिथुन सर, यू नो जब हम सलमान की बात करें, मैं अभी किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि आपकी एक फिल्म थी शशिकांत नायर जी की फिल्म, उसमें सलमान एक असिस्टेंट थे. वहाँ से आज तक जो आप दोनों का बॉन्ड है, देखिए उसको पहले दिन वो ऐसा लड़का है ना, उसको यू विल फॉल इन लव विद हिम इन फर्स्ट साइट. वो ऐसा ही था. उसको आप देखोगे वो असिस्टेंट डायरेक्टर था. वो मेरे साथ ही बैठता था, मेरे साथ ही, और मैं जब बहुत अच्छा लगता था. एंड सेकेंडली आई हैव गॉट ए बहुत ऑब्लिगेशन है उस फैमिली का मेरे ऊपर, क्योंकि जब मुझे मालूम पड़ा सलमान, तो तभी सलमान खान नहीं था, सलीम खान का बेटा. और सलीम जी इज द वन हु स्ट्रगल फॉर मी. मतलब एक समय उन्होंने देख के बोला था, भाई आपके चेहरे में इतना कशिश है, तुम एक्टर क्यों नहीं बनते? तो उन्होंने, सर मैं तो फिल्म इंडस्ट्री से इंस्टीट्यूट से पास करके आया हूँ. तो उन्होंने मेरे लिए फिल्म दिलाने की बहुत कोशिश की. मुझे एज आई से डेस्टिनी, डेस्टिनी ने साथ नहीं दिया था. बट सलीम भाई उस समय का सलीम जावेद, मतलब जो सुपरस्टार से सुपरस्टार थे, सुपरस्टार के भी सुपरस्टार. लेकिन डेस्टिनी नहीं मिला. बट आई एम एवर ऑब्लाइज टू दिस फैमिली. सलीम भाई के सामने तो मेरा सर ही कभी नहीं उठेगा. तो उससे सलमान, एंड सलमान भी वैसा ही है, वो बड़े भाई की तरह ही इज्जत करता है. बहुत धमाल करते हैं हम लोग जब मिलते हैं, क्योंकि
वी शेयर टू मेनी ऑफ सीक्रेट्स। या वो बहुत होशियारी करता है लेकिन उसको मालूम नहीं जब मैं मुंह खोलूंगा उसका क्या होने वाला है। बट एनीवेज इज अ वेरी लवेबल लवेबल, उसको लोग गलत समझते हैं। इज अ लायन हार्टेड मैन, वेरी लायन हार्टेड। और ये जो आप बोलते हैं ना रिलीज होगी एक साथ, हाँ, आगे फिर आप वही बात कर नहीं, रहे हैं। मैं बोला था ट्रेलर उस वो फिल्म के साथ स्क्रीन होगा, मैं वो पूछ रहा था कि नहीं, मेरे कहने का मतलब हाँ। सलमान खान इज ए सुपरस्टार से भी ऊपर है वो, और उन लोगों का ओवरफ्लो इनको मिल जाए इनकी पिक्चर हिट हो जाएगी। सर 5 decades से आप यू नो ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आप कैसे ये इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई है लास्ट 5 decade में? बहुत कम एक्टर्स है जो इतना लंबा करियर, और आप अभी भी फिल्में कर रहे हैं। आई थिंक आपका ये फिल्म में भी एक कैमियो है छोटा सा। सो तो मैं तो सजीत भाई और एनीवेज आप 5 साल में क्या 5 हाँ 5 decades के एक चीज चेंज नहीं हुआ वो है जेलसी, वो चेंज नहीं हुआ है। okay. मतलब अगर इसकी पिक्चर हिट हुई उसकी रात की नींद हराम हो गई। उस सब चीज़ों से मैं बाहर था, आई नेवर फेल्ट इट सो आई डिड नॉट नो। मेरा रास्ता ऐसा था कि मेरे रास्ते में कोई नहीं है, वो सब मेरे वो सोचते ये कभी नहीं बनेगा इसके लिए छोड़ो मत, लेकिन मैं उसी बहाने पेनल्टी से गोल कर दिया। और दूसरी चीज़ इस फिल्म इंडस्ट्री में चेंज नहीं हुई कि गॉसिप करना, जो बिटर गॉसिप करेगा ही इज एक्सेप्टेड इन ऑल पार्टीज। वो मैं नहीं किया, इसीलिए आप मुझे पार्टी में नहीं देखे थे। और थर्ड जो इवॉल्व हुआ है टेक्नोलॉजी, फिल्म हैज टेकन ए लीप्स एंड बाउंड्स इन टेक्नोलॉजी एंड पीपल आर मतलब उसी पे फल पक रहे हैं, खा रहे हैं, एंड इट विल गो कीप ऑन इवॉल्विंग, यू नो टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू गो लीप्स एंड बाउंड्स में चले जाएंगे। बट इंसानियत तौर पे ये 3-4 चीज़ इंडस्ट्री में नहीं बदली। एक जेलसी, एक कि रात की नींद हराम हो जाना। लेकिन मैं सबको बोलता था दूसरों की फ्लॉप गिनाने से तेरी पिक्चर हिट नहीं होगी, तो अपने पिक्चर पे ध्यान दे, उसी पे हिट करा। लेकिन खैर चलता है ऐसा ही है। बट ऐसा इट डजंट मीन, अभी भी दोस्ती बहुत जगह कायम है, अक्षय वेरी क्लोज टू मी, अपना सलमान है, सब बाकी जो जग्गू दादा है, जकी है, संजू बाबा है, सानी वानी, वी आर वेरी फ्रेंडली। ये जो पीछे के जो सिंगल स्क्रीन वाले सुपरस्टार्स है ना, हाँ। आप अगर नोटिस करें जो सुपरस्टार आज की तारीख में रेन कर रहा है ना, हाँ। जो रेनिंग, चाहे शाहरुख हो, सलमान हो, सनी हो, संजू हो, जो दे आर ऑल सिंगल स्क्रीन सुपरस्टार्स, ये मल्टीप्लेक्स के सुपरस्टार्स नहीं है जी, एंड स्टिल दे आर रेनिंग रूलिंग एंड दे विल रूल बिकॉज वो बहुत लॉयल ऑडियंस है, वो बदले ही नहीं ना जी। अभी क्या बोले, अभी 5 साल से आप कैसे अभी भी आप ये कर रहे हैं, only because we have loyal fans, abhi bhi hamare fan bahut pakke hain, mazboot hain। and to the two of you, aapke hisab se you know aap just start kar rahe hain, aap ye industry ko kaise dekhte hain, aap like how do you plan your career ahead as an actor? go ahead. honestly plan ka to privilege mujhe lagta hai stars ko milta hai, debutants ko nahi। i hope we have a lot of work after Bad Boy and i would like to do quality work, i'd like to do work of range। another thing that I think actors should not focus on, I don't know if she would allow this, is to focus on their careers and not social media। people should not be so obsessed with likes and comments that people can sometimes get misguided। they should work on their craft and the trolls don't matter, you should work hard and only work on your craft। but as long as you remain busy and no work, वो जो मैं बोला ना कि कहाँ होता है ये सोशल मीडिया। देखो दिस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड आज जानने के लिए, टू गेट टू नो थिंग्स, एक क्लिक पे आप सब जान जाओगे। और सेम वे इट हैज हार्म्ड यू, इट्स हार्म्ड यू इन द सेंस इन रिलेशनशिप, इन अदर थिंग, ट्रोल। अभी कौन ट्रोल करता है, किसके पास हिंदुस्तान में इतना टाइम है, सब बिजी है पर काम नहीं है, इसीलिए आपको ये ट्रोलिंग चलता है, ये सब चलेगा। क्योंकि स्टारडम इज नॉट दैट इजी, आजकल स्टारडम बहुत इजी है, सॉरी टू से दैट, आजकल में स्टारडम इजी हो गया, इसीलिए इतने सारे आपके चैनल्स खुल गए कि आज मतलब यहाँ तक आ गया कि यू नो आई गॉट 70 comments। 70 comments में वो हीरो है अपने ग्रुप में, है ना? yes. उसने कमेंट किया, अरे यार ये जो अपना इमेज है ये है, लिख कर दिया उसमें 17 comments, वेरी गुड, क्या बात है, कर दिया, तो उस ग्रुप में वो हीरो हो गया जी। तो बट
स्टारडम इज नॉट दैट इजी. 140 करोड़ में आपको एक बनना है, ये कभी नहीं भूलना. मैं दोनों को बोलता हूँ, ये नहीं सोचना कि आपके जू बीच में डांस करके आप स्टार बन गए. नो, 140 करोड़ में आपको एक बनना है जी. तो उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत दुख, बहुत आंसू, बहुत दर्द, सब कुछ पीना पड़ेगा. ऑफ कोर्स, तभी जाके आप बनोगे. ऑफ कोर्स, 100% सर. अभी तक प्लानिंग तो नहीं है, बट मैं बस चाहती हूँ कि बैड बॉय को बहुत सारी कामयाबी मिले, हम दोनों को बहुत सारी कामयाबी मिले. यू नो, आर डायरेक्टर एंड आर प्रोड्यूसर, यू नो, आई वांट टू थैंक देम एंड आई होप दे आल्सो गेट ऑल द क्रेडिट बिकॉज, एंड मिथुन सर ऑफ कोर्स, ही वाज आल्सो गाइडिंग अस थ्रू आउट द होल शूट. सो आई होप हम सभी को वो, यू नो, सक्सेस मिले जिसके लिए हमने काम किया है. एंड अभी प्लानिंग कुछ नहीं, मैं बस अच्छा काम करना चाहती हूँ और बहुत हो गया रेस्ट वेस्ट, मुझे बस अभी काम करना है, मेरे को बस मूवीज करनी. देखो भाई, मैं इतना तुम दोनों के बारे में बोल सकता हूँ, दोनों को, नॉट नमोशी नॉट द कमेंट्स आई हैव हर्ड, इतना अच्छा लगा. वेरी सूदिंग केमिस्ट्री, जो जो मतलब देख के, इन लोगों के गाने देखे, सूदिंग केमिस्ट्री विच आई लाइक द बेस्ट. कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई न्यूडिटी नहीं, तो एक्स्ट्रा थिंग्स, सूदिंग केमिस्ट्री बिटवीन टू. बहुत फ्रेश प्यार लग रहा है, देखने में क्यूट लग रहा है. पर मैं इतना कह सकता हूँ, इतना बड़े जब गाने हिट हुए तीनों के तीनों, दे हैव बीन एक्सेप्टेड, पीपल हैव लाइक देम. अभी स्टेटस बनेगा कितनी पिक्चर आपकी चलेगी. Perfect. On that note, thank you, sir. Thank you, guys. Lovely speaking to you, and all the best for the film. Thank you so much. Thank you. Hi, this is Amreen. Hi, this is Namoshi Chakraborty. And you are watching us on Pink Villa.